जैसा कि मैंने बताया कि रोड में देख रहे हो कितने पिरूल गिरे हुए हैं भाई साहब, आराम से चलना पड़ेगा, स्लिप भी हो सकती है गाड़ी तो, आराम से काफ़ी जंगल भी है क्योंकि अकेले सिंगल जा रहा हूँ, बाघ आग का भी खतरा हो सकता है इस साइड को, काफ़ी घना जंगल है। अभी हम थोड़ी देर के बाद पहुँचने वाले हैं डोल आश्रम, तो अभी फिलहाल गाइस पहुँच चुके हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं डोल आश्रम। यह डोल आश्रम का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर को एंट्री करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी अंदर को जाते हैं, फिर आपको यहाँ डोल आश्रम जाऊंगा करके आज मैं आ ही गया यहाँ पे, भोलेनाथ की कृपा है गाइस, जय भोलेनाथ। अभी चलते हैं अंदर को मेन गेट से, तो आप बने रहिए थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ का प्यारा सा तो दोस्तों देखिए अंदर तो हम आ गए हैं मेन गेट से, थोड़ा सा इससे भी अंदर को जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनकी सजावट देखिए काफ़ी अच्छी लगी है। और यहाँ को मैं अभी भोलेनाथ के भी दर्शन कराऊंगा आपको, तो आप बने रहिए। तो देखिए अभी मैं बैग वैग मैंने बाहर रखा था, वो कह रहे थे कि एक बार एंट्री कर लीजिए, क्योंकि बैग की कोई लेके भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है, तो अभी मैं बैग लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर बैग वैग लेने के बाद फिर अंदर जाऊँगा। काफ़ी अच्छा है मंदिर देखिए आप, कोई फिलहाल नीचे जाऊंगा मैं, नीचे एंट्री करानी पड़ेगी, 30 रुपया चार्ज है यहाँ। जय भोलेनाथ की जय हो। अच्छा मंदिर है यहाँ, आश्रम भी देख रहे होंगे, एम्बुलेंस की सुविधा है यहाँ पे, ये देखिए, और इस साइड को आश्रम है। लंबा सफ़र है पिथौरागढ़ से गंगुलियार जाना है, तो भी हम मैं भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए आया था मैं आज यहाँ, तो मैंने भोलेनाथ के भी दर्शन करा दिए। मिठाई तो कल हमारी भी आई है, प्रसाद भी बटी के भी। तो आप नीचे को देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा है, यहाँ नीचे मंदिर भी है काफ़ी अच्छे अच्छे, आश्रम है, ये देखिए फूल भी खिले हुए हैं काफ़ी ज़बरदस्त फूल हैं गाइस। आश्रम की इमारत का डिजाइन बहुत ही सुंदर है और यह गुलाबी व सुनहरे रंग के मिश्रण से आंखों को मोह लेती है।
पहाड़ों में इतना सुंदर इमारत बनाने का आसान काम नहीं है दोस्तों। यह सुंदर इमारत को वैदिक ज्ञान के आधार पर बनाया गया है तथा इमारत के दीवारों के भीतर चारों तरफ वेदों के ज्ञान को स्वर्ण अक्षरों में दर्शाया गया है। इमारत के अंदर जो मूर्तियां यंत्र रखी गई है उसको देखने के लिए आपको डोल आश्रम आना जरूरी है, क्योंकि डोल मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ है नहीं, वहाँ वीडियो नहीं बना सकते दोस्तों। दोस्तों ये डोल आश्रम का जो वीडियो बनाया था आपको कैसा लगा, आप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताने कि आपको कैसा लगा। अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर के बाद, तो दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे अंदर के लिए गेट से प्रवेश करोगे तो आपको इतना अच्छा नज़ारा मिलेगा यहाँ के जो डोल आश्रम है। यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख के भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए यहाँ पे। ये देख के यहाँ पे ये देख रहे होंगे जब फ्रंट गेट से आप आगे अंदर को आओगे तो यहाँ का काफ़ी अच्छा लुक है, यहाँ सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है भाई साहब और चित्र भी इतने अच्छे बना रखे हैं, मज़ा आ गया यहाँ आने के बाद। ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ शिव जी भोलेनाथ हर भगवान की मूर्ति भी है, विष्णु पुराण की भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। देखिए आप ये मेन गेट है, फ्रंट गेट, फ्रंट गेट से जब अंदर को जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा, वाह भाई साहब यहाँ तो स्वर्ग है गाइस। डोल आश्रम के भी आज दर्शन हो गए यहाँ पे, ये मेन गेट है देख रहे होंगे, काफ़ी सुंदर लुक है यहाँ का। और भाई साहब ये देखिए यहाँ पे पंडित जी लोग भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो थोड़ा सा हम अब मेन गेट से बाहर को जाते हैं, ये बाहर को गए थोड़ा सा यहाँ पे हम तो भी यहाँ पे मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा गाइस। देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है और हेलमेट भी पकड़ रखा है मैंने एक हाथ से और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, हिल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। अब मैं हम जा रहे बाहर की ओर, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, अच्छा लगेगा आप लोगों को यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ गया भाई साहब यहाँ आके, काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है डोल आश्रम में। मैंने सोचा था क्योंकि मैं जब भी गंगुलिहार पिथौरागढ़ को जाता हूँ यहाँ से जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि डोल आश्रम एक बार जाऊँ करके, आज आया मैं लेकिन क्योंकि थोड़ा समय भी नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। आहा तो गाइस देखिए डोल आश्रम का मेन गेट है, काफ़ी अच्छा है लुक यहाँ का। और हम आए हैं अभी यहाँ पर, काफ़ी देखिए पार्किंग के लिए भी काफ़ी सुविधाएँ यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़, चारों तरफ पेड़ है देख रहे होंगे आप। ये देखिए शिव जी के, थोड़ा सा शिव जी के भी दर्शन कराऊंगा क्योंकि ऊपर जाने का कोई साधन नहीं है। ये देखिए अभी मैं गया था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा साहब, यहाँ तो बहुत है मतलब स्वर्ग भी हो स्वर्ग, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब। ये देखो डोल आश्रम में मैंने सोचा था कि आ जाऊँगा करके लेकिन आ ही गया, भोलेनाथ की कृपा है, जय भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो हर हर शंभु। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई साफ, इतना सुंदर नज़ारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा यहाँ आने के बाद भोलेनाथ के भी दर्शन किए। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, अभी फिलहाल यहाँ से तैयार हो गए हम, अब हम निकलते हैं पिथौरागढ़ को क्योंकि डोल आश्रम में जो हमने सोचा था हम आ गए यहाँ पे, यहाँ का ब्लॉग बना दिया है, काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग भी आइए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, पहाड़ी मन्नू ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। ओके।